फ्रेंड्स के लिए लेकर आई हूँ कत्थे के फायदे। जी हाँ, कत्था जिसे यूजुअली हम पान के ऊपर स्वाद बढ़ाने के लिए लगाते हैं, उसका सेवन करके हम कई बीमारियों को भी अपने आप से दूर कर सकते हैं। कत्था सिर्फ एक जायका नहीं है बल्कि ये एक औषधि है। इसका सेवन करके हम अपने शरीर से काफी बीमारियों को दूर रख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कत्थे का सेवन करके आप किस किस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। टिप नंबर वन, मलेरिया के बुखार को ठीक करने के लिए आप कत्थे का प्रयोग कर सकते हैं। कत्थे की बहुत ही छोटे छोटे साइज की गोलियां बना ले और जिस भी व्यक्ति को मलेरिया बुखार हो रहा है उसे एक दिन में एक गोली का सेवन कराएं। ऐसा करने से बुखार ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस गोली का सेवन आप बच्चों और गर्भवती अवस्था से पीड़ित महिलाओं को बिल्कुल ना कराएं। टिप नंबर टू, दांतों की बीमारी को दूर करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है कत्था। अगर आप कत्थे को दंत मंजन के साथ मिक्स करके उसे अपने दांतों पर और मसूड़ों पर मसाज करते हैं तो ऐसा करने से दांतों से संबंधित समस्या से आपको निजात मिल सकती है। टिप नंबर थ्री, दांतों के कीड़ों को दूर करने के लिए भी आप कत्थे का इस्तेमाल कर सकते हैं। कत्थे के अंदर सरसों का तेल मिलाकर उसे अपने दांतों पर अच्छे तरीके से मसाज कीजिए। अगर आप ये प्रक्रिया रोजाना करते हैं तो ऐसा करने से आपके दांतों के कीड़े मर जाएंगे। नंबर फोर है खट्टी डकार। जब भी हम खाना खाते हैं तो अक्सर हमें खट्टी डकारें आती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देती हैं। उन्हें दूर करने के लिए आप रोजाना 300 से 700 ग्राम तक कत्थे का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर फाइव है दस्त। कत्थे को पकाकर उसका प्रयोग करने से दस्त भी ठीक हो जाती है। आप रोजाना 300 से 700 ग्राम कत्थे का पकाकर उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि कत्थे का इस्तेमाल करने से पाचन क्रिया भी स्वस्थ बनती है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने पान पर लगाए जाने वाले कत्थे से आप कितनी बीमारियों को अपने आप से दूर लगा सकते हैं। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।